हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक। एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान एफएक्यूज। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन रसिया एफएक्यूज, एक्सप्लेन करने वाला हूं। और गाइस, ये वो एफएक्यूज हैं जो सबसे ज्यादा आप लोगों के थ्रू सर्च किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों के थ्रू हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो मोस्ट सर्चेस एफएक्यूज हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप एडमिशन के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारे थ्रू आपका एडमिशन नॉमिनल चार्जेस में कंप्लीट होता है। अगर हम बात करेगा इस एफएक्यूज का, तो सबसे पहला है इज रशिया गुड फॉर एमबीबीएस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ बोलूंगा गाइस, बिल्कुल गुड ऑप्शन है। बिकॉज गाइस, आप अगर आप रशिया को देखते हैं, रशिया आज से नहीं, बहुत पहले से इंडियन स्टूडेंट्स जाते रहे हैं। और अभी इंडिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी डिग्री एमबीबीएस की रशिया से कंप्लीट की है और आज की डेट में इंडिया में सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो अगर आप इंडिया में, आपको सीट नहीं मिल रही है, हर बच्चा चाहता है कि उसको इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिले। अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिल रही है, आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए गुड ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस स्टडी रशिया से करें। सेकेंड है गाइस, व्हाट इज द टोटल फी ऑफ एमबीबीएस इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। गाइस, अगर हम टोटल फीस या टोटल बजट की बात करें तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो रशिया में बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो चीप बजट है, अफोर्डेबल बजट है। अगर हम मिनिमम बजट की बात करें, लाइक ट्यूशन फीस, हॉस्टल, अकोमोडेशन, फूड या अदर चार्जेस, या फिर आपका वीजा एक्सटेंशन, या फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस, या फिर जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको लेके, मिनिमम बजट आपका 26-27 लाख फॉर सिक्स ईयर का होना चाहिए, जो आज के डॉलर का रेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, या जो रूबल का रेट चल रहा है। और मैक्सिमम 40-45 तक यूनिवर्सिटीज आपको मिलती है रशिया में। तो डिपेंड करता है आपका बजट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी का बजट क्या है। नेक्स्ट है गाइस, कैन आई स्टडी इन रशिया विदाउट नीट। गाइस देखिए, नीट अभी मस्ट है। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और आप नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी आफ्टर लाइसेंसिंग एग्जाम। जब आप लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लेंगे इंडिया में और आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ है, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो ये मस्ट है कि आप एमबीबीएस स्टडी एब्रॉड करने जा रहे हैं और आपको रिटर्न इंडिया आके प्रैक्टिस करना है, तो नीट क्वालिफाई करके जाए। और एब्रॉड की ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज को इस चीज का पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नीट मस्ट है, तो वो भी आपका जब नीट क्वालिफाई होता है तभी एडमिशन लेती है। नेक्स्ट है गाइस, हाउ मच नीट स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस इन रशिया। ऐसा कोई स्कोर आपको लाना है ये नहीं है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो अभी आप 2024 में जाएंगे और अगर आपने प्रीवियस ईयर नीट नहीं अपेयर किया है, तो इस साल आपको जो भी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर होगा वो लेके आना है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो मिनिमम 137 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए था। अगर 137 आपका है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका लास्ट ईयर का भी नीट स्कोर कार्ड इस ईयर वैलिड होगा। बिकॉज एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के लिए आपका 3 साल तक नीट स्कोर कार्ड वैलिड होता है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस है नहीं रशिया का, और कुछ प्रोज एंड कॉन्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर हम वैसे देखें तो रशिया कोल्ड कंट्री है, और अगर आप कोल्ड को लेके सेंसिटिव हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। बिकॉज रशिया में आप देखेंगे टेम्परेचर मिनिमम माइनस में 40-50 डिग्री तक जाता है, और अगर हम देखें सदर्न पार्ट के कंपेरिजन नॉर्दर्न या ऊपर साइबेरिया की तरफ, तो माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है एमबीबीएस स्टडी इन रशिया का। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप, ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि किस वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है और वहाँ का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहता है, और उस टेम्परेचर को देख लें कि आप उस टेम्परेचर में अडेप्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इज एमबीबीएस इन रशिया डिफिकल्ट। गाइस देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज बहुत से ऐसे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं जिन्होंने रशिया से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की और इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जाते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी जो भी यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम है उसको फॉलो करते हैं, तो कोई भी कंट्री या कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए डिफिकल्ट, वहाँ की स्टडी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होती है। इज एमबीबीएस अंडर 15 लाख इन रशिया। तो गाइस, 15 लाख मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि
कि अगर आप ट्यूशन फीस या हॉस्टल देखते हैं तो आपको 15 लाख में हो जाता है, लेकिन आप एवरीथिंग इंक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे, 6 ईयर का फूड, एयर फेयर, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, आपके जो भी खर्चे अदर्स होते हैं, तो आपका मिनिमम 25-26 लाख 27 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, व्हाई एमबीबीएस इज सो चीप इन रशिया। गाइस, एमबीबीएस स्टडी इन रशिया आप करने जाते हैं तो जो भी वहां की यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट भी है, तो अफोर्डेबल है। आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया की भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है इंडिया में, जिसके लिए आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उनकी ट्यूशन फी भी ना के बराबर है। और इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है रशिया में, इस वजह से है कि वहां की एमबीबीएस स्टडी चीप है। नेक्स्ट है गाइस, इज एंट्रेंस एग्जाम नेसेसरी फॉर एमबीबीएस इन रशिया। एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको देना है। एमबीबीएस स्टडी आप रशिया से करने की सोच रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन ये भी सच है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम आप अपेयर करते हैं, आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो इस चीज को लेके आप वरीड ना हो कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, कैन आई सेटल इन रशिया आफ्टर एमबीबीएस। गाइस, आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया से करते हैं तो आप वहां सेटल हो सकते हैं। कई सारे इंडियंस आप देखेंगे जो रशिया में सेटल है और उन्होंने रशिया से ही एमबीबीएस स्टडी कंप्लीट की है, तो आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के बाद चाहें तो रशिया में सेटल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी प्रोसेस है वहां के, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। आपको वहां की, अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं तो आपको पीआर लेना पड़ेगा या फिर आपको वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें हैं। तो आप अगर सेटल होने के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि एमबीबीएस स्टडी इन रशिया करें, तो रशिया में एमबीबीएस स्टडी करने से पहले वहां के जो भी प्रोसेस है सेटल होने वाले, उस चीज को जरूर एक बार देख लें और उसको आप फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज को देख लें। इज रशियन डॉक्टर डिग्री वैलिड इन इंडिया। गाइस, बहुत से ऐसे इंडियन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस स्टडी इन रशिया से की है और अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज हुई है एनएमसी आने के बाद। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी रशिया की चूज कर रहे हैं, उसको ये जरूर देख लें कि एनएमसी क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी मीट करती है या नहीं करती है, बाकी रशिया की डिग्री इंडिया में वैलिड है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एमबीबीएस इन रशिया। एज लिमिट की अगर हम बात करें गाइस, मिनिमम 17 ईयर्स के आप कंप्लीट होने चाहिए, आप जिस भी ईयर में एमबीबीएस स्टडी इन रशिया करने की प्लानिंग करते हैं, लाइक 2024 में जाएं, तो आप 31st of December 2024 आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 25 है या फिर कुछ यूनिवर्सिटी उससे ज्यादा एज के भी बच्चों को एकोमोडेट करती है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द लोएस्ट एमबीबीएस फी इन रशिया। लोएस्ट की अगर हम बात करें कि एमबीबीएस स्टडी इन रशिया लोएस्ट फीस क्या है, तो मिनिमम आपका 2 लाख के आसपास ट्यूशन फीस ईयरली है, यानी कि आप 14 लाख के आस 2 लाख रूबल्स के आप आसपास ले सकते हैं। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 6 साल की ट्यूशन फीस अप्रोक्स 13 लाख 13 लाख के आसपास में आपकी ट्यूशन फी में कंप्लीट होती है एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, और बाकी सारे खर्चे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25-26 लाख का बजट होना चाहिए। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू डू एमबीबीएस इन रशिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में। फॉर अदर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है, और मिनिमम एज आप 17 इयर्स के कंप्लीट होने चाहिए आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीबीएस स्टडी इन रशिया की फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गाइस, इज इट सेफ टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया। ऑफकोर्स गाइस, बहुत से बच्चों ने अपनी डिग्री रशिया से कंप्लीट की है, अभी बहुत से बच्चे इंडियन बच्चे रशिया में रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा हो या फिर उनको सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि रशिया सेफ है और हमारे रिलेशन भी, इंडियंस के रिलेशन भी रशिया के साथ काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। मिनिमम 25-26 लाख में इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और मैक्सिमम 40-45 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और डिपेंड करता है आप कितने खर्चे ले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बजट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बजट जानने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में। व्हाई इंडियंस गो टू रशिया फॉर एमबीबीएस। गाइस देखिए, काफी इंडियंस रशिया जाते हैं, और रशिया या अब्रॉड के किसी भी कंट्री में जाने का जो सबसे पहला कारण है, इंडिया में एमबीबीएस का सीट्स का कम होना,
और सभी बच्चों को इंडिया में मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलती नहीं है और ज्यादातर बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये रीजन है कि अब्रॉड या रशिया बहुत बच्चे इंडिया से हर साल एमबीबीएस के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, स्विस एग्जाम गिवन इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस इन रशिया। आप रशिया या अब्रॉड के किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करके आते हैं तो इंडिया में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है, एमसीआई का एग्जाम होता है, एमसीआई एग्जाम या एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम होता है जिसको अभी एनबीई कंडक्ट करती है। 300 मार्क्स का आपका नंबर होता है जिसमें आपको पास होने के लिए 150 नंबर्स लाने होते हैं और 6 घंटे का एग्जाम होता है, 2 पार्ट में एग्जाम होता है। अभी एनबीई कंडक्ट कर रही है, इससे पहले एमसीआई कंडक्ट करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लाइसेंसिंग एग्जाम एफएमजीई को ही क्लियर करके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज एमबीबीएस सिलेबस सेम इन इंडिया एंड रशिया? तो गाइस अगर हम सिलेबस की बात करें, थ्योरी की बात करें, तो मेडिकल साइंस सेम है लेकिन क्लिनिकल हर कंट्री का अपना अलग अलग है, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से होता है और बाकी चीजें होती हैं। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो 19 सब्जेक्ट ये मेडिकल के सब्जेक्ट सेम है लेकिन आपको वहां के लोकल लैंग्वेज, लैटिन वगैरह अलग अलग जो, और हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे इंडिया के सिलेबस से। नेक्स्ट है गाइस, इज इंटर्नशिप फॉर रशिया वैलिड इन इंडिया? गाइस अगर आप रशिया से एमबीबीएस स्टडी करते हैं तो वहां की जो इंटर्नशिप है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। इंडिया में जब आप रहते हैं यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस इन रशिया? एमबीबीएस स्टडी इन रशिया कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है जिसमें 1 ईयर की इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप इंक्लूड है। नेक्स्ट है गाइस, इज एमबीबीएस टॉट इन इंग्लिश इन रशिया? तो गाइस रशिया में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ कुछ बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज भी है। बाकी अगर फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स में आप जा रहे हैं जो एनएमसी क्राइटेरिया को मीट करती है तो आपका 6 ईयर कोर्स ड्यूरेशन मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर कोर्स इंग्लिश में होता है। इज एमबीबीएस टॉट इन इंग्लिश इन रशिया, इसका क्लियर हो गया गाइस। कैन आई प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस इन रशिया? बिल्कुल कर सकते हैं, आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया करिए, एनएमसी क्राइटेरिया को मीट कीजिए, इंडिया में आइए, इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर कीजिए और आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत से इंडियन डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री रशिया से कंप्लीट है एमबीबीएस की। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन फॉर रशिया बिगिन? गाइस अगर हम बात करें एकेडमिक सेशन का तो वहां पे सेप्टेम्बर इनटेक होता है। ज्यादातर मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक ही इनटेक लेती है, सेप्टेम्बर इनटेक। कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज में विंटर्स इनटेक होता है जो जनवरी इनटेक होता है, तो हम ये कह सकते हैं मेजरली सितंबर इनटेक होता है और कहीं कहीं आप विंटर इनटेक, जैन इनटेक में जा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इज द रशियन लैंग्वेज ए मस्ट फॉर स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया? गाइस प्रैक्टिकल के लिए आपको जिस भी कंट्री में आप जाते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज सीखना मस्ट होता है। बाकी आपका पूरा कोर्स सिलेबस और एग्जाम सारे इंग्लिश में होते हैं लेकिन आपका पेशेंट इंटरेक्शन होगा, जब क्लिनिकल होगा, आपका हॉस्पिटल विजिट करेंगे, तो ये जरूरी होता है कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट देखें गाइस, व्हाट अबाउट हॉलीडेज इन रशिया फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स? अगर हम वहां छुट्टियों की बात करें तो विंटर्स वेकेशन होता है और समर्स वेकेशन होता है। विंटर्स में आपका दिसंबर एंड से लेके दिसंबर 22-23 दिसंबर से लेके और जैन 1st-2nd वीक तक आपका हॉलीडेज रहता है। समर्स में देखें तो आपका जुलाई और अगस्त 2 महीने के समर्स हॉलीडेज होते हैं जिसमें आप इंडिया आते हैं। इसके अलावा गाइस, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ रशिया? क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो रशिया कोल्ड कंट्री है। रशिया के ज्यादातर सिटीज जो साइबेरियन की तरफ है या नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट आप देखेंगे वहां टेम्परेचर माइनस में 40-50 डिग्री तक जाता है। एज कंपेयर टू सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और साइबेरियन पार्ट बहुत ज्यादा कोल्ड है। मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये जरूर देख लें कि जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहां का क्लाइमेट माइनस में टेम्परेचर कितना ज्यादा जाता है और आप कितने सेंसिटिव हैं, आप इजीली अडेप्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये चीज जरूरी से देख के जाएं आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, रशिया के जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, इज देयर ए डायरेक्ट फ्लाइट टू गो टू रशिया? रशिया डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, दिल्ली टू मॉस्को तक की आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है। ट्रेवल टाइम अप्रोक्स 6 hours 30 minutes का होता है। अब इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप किस स्टेट में जा रहे हैं,
आपको मॉस्को पहुंचने के बाद वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है, या फिर आप जैसे नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, या मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं यूराल जा रहे हैं तो आप उज़्बेक एयरलाइंस लेके जा सकते हैं, बाय ताशकंद या बाय दुबई होके जा सकते हैं। अलग अलग कंट्री के थ्रू आप अपने यूनिवर्सिटीज तक जा सकते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेके, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें तो मॉस्को तक की आपको इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। इज इंडियन फूड अवेलेबल इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज? तो गाइस यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस अवेलेबल है। इंडियन मेस के जो आपके चार्जेस पे करने होते हैं आपने अकेडमिक ईयर का 10 मंथ का आप $1,000 टू $1,200 पे करते हैं, जहां आपको 3 टाइम का फूड मिलता है, टी मिलती है आपको। और ये चीज एक बार जरूर चेक कर लें कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा रहे जहां इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस अवेलेबल है, कहीं कहीं नहीं है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड है, एक बार चेक करके जाए, लेकिन ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आपको इंडियन मेस मिल जाता है। इज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज? ऑफकोर्स गाइस, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलती है, लेकिन कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जो गवर्नमेंट हॉस्टल भी है, प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं, चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। और कई हॉस्टल्स यूनिवर्सिटीज की हॉस्टल्स ऐसी है जहां ओवरक्राउड है तो बच्चे फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ये जरूर चेक कर लें कि वहां की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, 6 साल आप हॉस्टल में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या फिर आपको फ्लैट या अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, और उस हिसाब से अपना बजट कैलकुलेट करके जाएं। तो गाइस ये वो FAQs थे MBBS स्टडी इन रशिया से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा सर्चेस किए जाते हैं आप लोगों के थ्रू हमसे पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है जितने भी ये मोस्ट सर्चेस FAQs थे उसके बारे में आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करूं। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एडमिशन के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।